Download Tarang online radio app from Google Play Store. विजन टीवी देख रहे हैं इनका सबको दर्शकों को मैं यही बोलना चाहता हूं कि आगे जो आने वाले हमारे कंपटीशन है मेरे लिए कीजिए प्रेयर कीजिए क्योंकि जो आगे वाले काफ़ी हार्ड कंपटीशन टफ है तो सभी मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि आगे वाले कंपटीशन है उसमें अच्छा करूं मैं विजन टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद Elaborate or express about this work that is we are seeing here. Actually, अभी भी आपको लगेगा कि नमक खुद बाहर आ रहे हैं. मतलब इतना अब सोच सकते 40 टन्स नमक अंदर डाला है. और जो आश्रम गांधी जी का जो आश्रम उसी का कैरेक्टर उसका अंदर है. और वो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ था कि हम कैसे उसको सोच सकते कि गांधी जी जब नमक उठाए होंगे कि वो किस तरीका मतलब एक आर्ट उनका क्या सोच होगा. लेकिन हम छोटे से जगह में हम कोशिश किए कि वही कॉन्सेप्ट को साथ में लाने के लिए. और जितना 21st सेंचुरी में हम उसको प्रेजेंट करें उसी टाइम कैसे काम हुआ था एक 21st सेंचुरी में जब हम प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी वे में उसको डिस्प्ले किए और एक अच्छा इंस्टॉलेशन बनाए जो कि आप फिगर और आप जो देख रहे हैं वो आपको लगेगा कि सचमुच वो मूवमेंट है ना आप फील कर सकते हैं. एक्चुअली ज़्यादा हम इसमें एक्सप्लेन एक्चुअली ये पूरा विजुअल है उस मूवमेंट को कैच करने के लिए एक एक्चुअली फिल्म का कुछ पार्ट हमने कंपोज किया है. हाँ तो आप उसको फील कर सकते देखिए वो जैसे आप लगेंगे नमक से वो अंदर से बाहर के बाहर जा रहे हैं अंदर जा रहे हैं आप ऊंचा मतलब वो जो फीलिंग है ना वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है. आपके मानस पटल पर सिर्फ दो ही तस्वीरें आती है एक पद यात्रियों के साथ कूच पे निकले महात्मा गांधी और नमक का कानून तोड़ते हुए महात्मा गांधी यह दो तस्वीरें आती हैं. पर आज आप दांडी यात्रा का क्या मिजाज था क्या स्पिरिट था वो पहली बार एक चित्रकार ने अपनी चित्र पोथी में एक ड्राइंग्स के माध्यम से कैसे उसका डॉक्यूमेंटेशन किया वो आप देखेंगे. अब सर देखें कि दांडी यात्रा के मास्टरमाइंड उनका कोई जिक्र नहीं होता उन्हीं को 7 मार्च 1930 को अरेस्ट किया गया था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल.
उन्होंने ही ये दांडी यात्रा का पूरा आयोजन किया था। ब्रिटिश सरकार का ऐसा मानना था कि अगर सरदार को हम पूर देंगे तो ये दांडी यात्रा विफल जाएगी, पर उनका माइक्रो मैनेजमेंट ऐसा था कि उनकी एब्सेंस में भी दांडी यात्रा सफल रही। गांधी जी के नमक सत्याग्रह से 34 साल पहले, आनंद साहब, 34 साल पहले अहमदाबाद में 1896 में कवीश्वर दलपत राम ने भी नमक सत्याग्रह किया था। उससे पहले आप देखें 1884 में, यानी गांधी जी के नमक सत्याग्रह से 86 साल पहले सूरत में दुर्गाराम मेहता जी ने भी नमक सत्याग्रह किया था। मगर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दांडी यात्रा के दौरान एक बच्चा जिसको गांधी ने छगन में से छगनलाल पहचान दी, और उसकी पहचान दुनिया के सामने कैसे आई कि उन्होंने दांडी यात्रा का डॉक्यूमेंटेशन किया चित्र के माध्यम से। मगर हमारे स्वामीनारायण गांधी संस्थान के परम पूज्य आचार्य स्वामी जी ने कहा, नहीं, ये दांडी यात्रा का मिजाज दुनिया के सामने आना चाहिए, ये नौजवानों को पता चलना चाहिए कि 61 वर्ष का बुढ़ा इंसान अपने चुनिंदा 78 साथियों के साथ कैसे निकला और उन्हें ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया। तो हमने उस ग्रंथ को पिक्टोरियल फॉर्मेट में, बुक फॉर्मेट में प्रसिद्ध किया, अनसीन ड्राइंग्स ऑफ दांडी मार्च, गुजराती और अंग्रेजी दो भाषा में वो प्रसिद्ध हुआ। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री भी हमारे ही कॉलेज के छात्र थे, उन्होंने जब ये चित्र पोथी देखी और उन्होंने कहा, नहीं, ये दुनिया के सामने ओरिजिनल ड्राइंग्स रखे जाए, और इसी वजह से आज पहली बार दुनिया के सामने दांडी यात्रा का वो स्पिरिट, ओरिजिनल स्पिरिट, स्वामी जी और पीएम सर की मुलाकात की वजह से इस एग्जीबिशन के माध्यम से आई। जब हमारे डीजी सर से मिलना हुआ तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत ही अद्भुत कलेक्शन है, और इनकी एक सूझबूझ की वजह से उन्होंने उसी दिन सोचा कि हम इधर नमक लाएंगे, एक विजुलाइज करेंगे, और क्या मिजाज था। एक गुजराती में वाच है, लूण पानी ने पवन ते वण मूले वपराय, लूण मीन्स नमक, पानी और हवा जिसकी कीमत नहीं होती। तो यहाँ पर आज सर की वजह से आपको वो स्पिरिट, कैसा स्पिरिट था कि गांधी जी अपने चुनिंदा साथियों के साथ निकले और वर्मा साहब ने उसका कंटिन्यूस फॉलोअप किया, इस स्वप्न को साकार किया। आप देखें विजनरी आइडिया वाले पीएम की वजह से ये ड्राइंग्स दुनिया के सामने आए। स्वामी जी ने गुजराती और अंग्रेजी ग्रंथ का विमोचन उस जगह पे किया जहाँ पर गांधी जी ने 1915 में सत्याग्रह आश्रम के बाजू में अंत्यज रात्रि शाला की थी, जहाँ पर छगन भाई पढ़े थे, और उसी जगह से आज हम देखते हैं यह गैलरी के माध्यम से दुनिया के सामने वो ड्राइंग्स आप देख सकेंगे, कैसा मिजाज था, एक किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। नई पीढ़ी, यहाँ छोटे बच्चे बैठे हैं, वो भी देखेंगे, उनको भी पता चलेगा कि बापू ने एक चपटी नमक नहीं उठाया था, मगर सभी ने अवज्ञा के माध्यम से उन्होंने किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर को चुनौती दिया था। सर, यहाँ पर दो टाइम मैगजीन रखे हैं, 1930 में दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी अभी चल रहे थे, मंजिल पे नहीं पहुंचे थे, पहुंचेंगे कि नहीं वो पता नहीं है, तो टाइम मैगजीन ने सेंट गांधी को जगा दी। पर सबसे महत्व की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने हिटलर को परास्त किया, असुरी शक्ति को परास्त किया, उन्होंने वैश्विक मंदी को परास्त किया, उन्होंने अमेरिका के गैंगस्टर को परास्त किया, और महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर के तौर पे टाइम मैगजीन ने नवाजा, क्योंकि वो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के पुजारी थे। आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें देख सकेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं अद्वैत जी, जो गांधी जी टीम स्पिरिट से चलते थे, सरदार वल्लभ भाई टीम स्पिरिट से चलते थे, अद्वैत जी के साथ उनकी पूरी टीम है, मैं सभी का ऋण स्वीकार करता हूँ, खास करके वर्मा साहब का मैं बहुत ही आभारी हूँ, पीएम सर का भी मैं आज के उपलक्ष में आभार व्यक्त करता हूँ, पूज्य स्वामी जी का और हमारे संतगण भी अहमदाबाद से पधारे, उन सबका मैं ऋण स्वीकार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आज की संध्या के सम्मानित अतिथि श्री एससी वर्मा जी, संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय जी से, मंत्रालय से अनुरोध करती हूँ कि वह आप सभी को संबोधित करें।
भारत सरकार ने महात्मा गांधी जी के जो 150th बर्थ एनिवर्सरी दो साल के लिए 2 अक्टूबर 2018 से 2 अक्टूबर 2020 तक सेलिब्रेट करना है इंडिया में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए एक नेशनल कमिटी फॉर्म हुआ है जहां ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो कमिटी को चेयर करते हैं, इसमें 100+ मेंबर्स हैं, 24 फॉरेनर्स हैं और एक एग्जीक्यूटिव कमिटी है, इसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं। बहुत सारी मीटिंग हो चुका है, एक मीटिंग हुआ जो सारे चीफ मिनिस्टर आए थे, एक गवर्नर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था जो ये डिस्कशन हुआ है। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड ये कमेमोरेशन हुआ है, शुरू हुआ है। सर, वी आर एट मॉडर्न आर्ट गैलरी, यू हैव ऑर्गेनाइज्ड द डांडी मार्च एंड ऑन द ओकेजन ऑफ 150th एनिवर्सरी ऑफ बापू, महात्मा गांधी। What is the reason behind and what is the attraction here? He's such a great person, you know. When you will think about something, you know, you can't imagine. Actually, I was thinking Gandhi, ek dubla patla vyakti, 5 feet 4 inch height, 49 kilo weight, bahut simple. Lekin unka jo awaaz hai na, उनका आवाज़ में लाखों लोग भागते थे। जो साल्ट मार्च, आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरीका एक मूवमेंट क्रिएट किए। और हमने जो इंस्टॉलेशन भी बनाया, आप उसको देख सकते कि किस तरीके नमक भी बाहर आ रहा है उनका आवाज़ में। तो एक्चुअली जो प्रोसेस, मैं सोच रहा हूँ ये गांधीमय हो जाए, जो एटमोसफियर है ना, कोई भी आए उसका अंदर, उसका मन शरीर सब कुछ एक इस तरह का एटमॉस्फेयर मर्ज हो जाए जो कि उसको फील करे और उनका सोच को लेके यहाँ से वापस जाए। उस हिसाब से हमने प्लान किया सारी चीज़। आप शुरू में देखेंगे एक डांडी मार्च बनाया जो कि जहाँ जहाँ वो रात को रुकते थे और वहाँ साथ में वो भजन, क्योंकि वो प्रॉपर तैयार करके जा रहे थे, शाम हो गया प्रेयर करना है कि साथ में इस तरह का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेके भी जाते थे। और आप सोचिए ब्रिटिशर उस टाइम कैसे सोचे होंगे, नहीं बस चल रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा छोटा सा नमक से भी मिल सकता है, कभी इमेजिन, एक स्पार्क जैसा। इसलिए हमने आप जो देखेंगे डांडी मार्च बनाया, उसमें आपको लगेगा कि एक स्पार्क, एक 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 एक, एक, एक एनर्जी है ना, उसको फील कर सकते। और इस छगनलाल यादव का जो ड्राइंग भी मिला है, आप सोचिए किसी कबाड़ी से मिल रहे हैं है? और उसको लाके आप नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। और उसी टाइम गांधी जी जब जा रहे होंगे वो स्केच कर रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी चीज़। वो एक्चुअली उसको सोचने से भी ऐसे लगता है कि नहीं भाई, वो बियॉन्ड सोशियो पॉलिटिक्स है, बहुत कभी कभी स्पिरिचुअल हो जाता है, लेकिन उसका साथ साथ सोशियो पॉलिटिक्स दोनों मिलके। और इतना पावरफुल उनका मूवमेंट था, हम कोशिश किए उसको प्रेजेंट करने के लिए। इसलिए हमारा अंदर में आप देखिए नंदलाल बोस का काम है, रामकिंकर बेस का काम है, उपेंद्र महारथी का काम है, वहाँ लतिका कट का भी काम है, रामसुतर का काम है। हर आर्टिस्ट कैसे सोचते हैं उसके लिए, वो मूवमेंट के लिए कैसे सोच रहे हैं, और सारे को ले कर एक, इसको मैं कुछ रूप नहीं चाहता हूँ, एक एटमोसफियर में कोशिश किया कि एक एटमोसफियर ऐसे क्रिएट हो। अब मैं भजन प्रस्तुति हेतु NCZCC से आए कलाकारों श्री शोहेब हसद, संगीतकार श्री हसन मारी सितार वादक एवं श्री रमीरा राजा तबला वादक से अनुरोध करती हूँ कि वह यहाँ आएँ एवं भजन संध्या का शुभारंभ करें। Oh,
विजन टीवी देख रहे हैं, इनका सबको दर्शकों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आगे जो आने वाले हमारे कॉम्पिटिशन है मेरे लिए कीजिए प्रेयर कीजिए, क्योंकि जो आगे वाले काफ़ी हार्ड कॉम्पिटिशन टफ है, तो सभी मेरे लिए कीजिए प्रेयर कीजिए कि आगे वाले कॉम्पिटिशन है उसमें अच्छा करूँ मैं। विजन टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। Download Tarang online radio app from Google Play Store. Vision TV जिन्हें भी लोग देख रहे हैं इन्हें सारे मैं बहुत दिलों मतलब धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे लिए करो दुआ करो कि अगे जो आने वाले कॉम्पीटिशन है इसे काफ़ी करिए वधिया करिए, अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप है मैं उम्मीद करता कि मैं बेस्ट ऑफ सिक्स में आऊँगा, तो सभी मेरे लिए करना दुआ करना। थैंक यू विजन टीवी।